कैसे हैं आप लोग और आज हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आजकल कंप्यूटर यानी पीसी का इस्तेमाल हर जगह पे होता है, हर क्षेत्र में होता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें पीसी का इस्तेमाल नहीं होता। पीसी का इस्तेमाल आजकल पीसी बहुत ही मतलब आधुनिक चीज़ हो चुकी है और इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। और जाहिर सी बात है कि उसमें कभी कभी वायरस भी आ जाती है। जैसे हमारी बॉडी में अगर वायरस आ जाता है तो हम क्या होंगे, हम बीमार हो जाएंगे और हमारा शरीर धीरे काम करेगा। मतलब सेम वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में जैसे वायरस आ जाते हैं वो धीरे धीरे काम करने लग जाता है, मतलब उसका जो काम करने की स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, वो स्लोली स्लोली काम करता है। और वायरस कंप्यूटर की मेमोरी को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं जिससे यूज़र को कोई भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इसी दिशा में अगर हम बात करें, पहला वायरस किसने बनाया था, मतलब पहला पीसी वायरस किसने बनाया था और कहाँ बना था। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पहला पीसी वायरस लाहौर में बना था। हाँ जी हाँ दोस्तों, लाहौर पाकिस्तान, लाहौर में पहला पीसी वायरस बनाया गया था और वो 1986 में बनाया गया था, 1986 में। और पाकिस्तान के दो भाइयों ने बनाया था, उनका नाम तो अभी सामने नहीं आया है लेकिन उनको फारूक अली ब्रदर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फारूक अलवी ब्रदर्स उनको कहते हैं। उन्होंने पहला पीसी वायरस बनाया था, उस पीसी वायरस का नाम था सी ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, उस पीसी वायरस का नाम सी ब्रेन था और उसे पूरी दुनिया में उन्होंने फैला दिया। तो उन्होंने इस वायरस को, पहला पीसी वायरस उन्होंने बनाया था। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई जानकारी। ऐसी जानकारी वाली वीडियो, नॉलेज वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले।